एक तरफ प्रभास की सालार के पोस्टपोन होने के चर्चे आग की तरह फैल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म से सैलाब आने वाला है, ऐसी खबरें आ रही है। क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद मार्केट में ये एकदम कंफर्म हो जाएगा कि फिल्म का पोस्टपोन होना अब बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। खबरें हैं कि सालार से फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है, जिसके बाद शाहरुख और प्रभास की ये जंग और तेज होने वाली है। जी हां, अपने ट्रेलर के दम पे अब प्रभास शाहरुख से लड़ाई लड़ने वाले हैं। निर्माताओं ने हाल ही में सोशल मीडिया पर #50days2सालार सीज फायर ट्रेंड शुरू किया, जिसकी वजह से जनता के बीच उम्मीदें आसमान छूने लगी है। हाल ही में ये भी खबरें सुनने में आई कि इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म का ट्रेलर नवंबर के अंत तक या फिर दिसंबर की शुरुआत में आ जाएगा। ट्रेड एक्सपर्ट रमेश वाला ने हाल ही में इस पर एक ट्वीट कर जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि बिग न्यूज, द मच अवेटेड सालार पार्ट 1 सीज फायर ट्रेलर टू बी आउट ऑन नवंबर एंड और अर्ली दिसंबर। द एक्शनर हेल्म्ड बाय प्रशांत नील एंड फीचरिंग प्रभास इज क्रिएटिंग द एक्साइटमेंट अमंग द मासेस एंड द फिल्म विल अराइव इन सिनेमास ऑन शेड्यूल डेट December 22, 2023। जी हां, खबरों की माने तो इसका ट्रेलर नवंबर एंड या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में आने की बात कही जा रही है। चूंकि अब सालार और डंकी भिड़ेंगी, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर माहौल गर्मा जाने वाला है। क्रिसमस वीक बॉक्स ऑफिस पर मचने वाले घमासान का गवाह बनने वाला है, क्योंकि सालार और डंकी दोनों बहुत बड़ी फिल्में हैं। बता दें कि जहां प्रभास सालार का ट्रेलर लाने की प्लानिंग में लग गए हैं, वहीं अब डंकी के बैक टू बैक 4 टीजर आने वाले हैं, जिसके बाद जाकर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में दोनों फिल्मों के मेकर्स के फैसले देखकर लग रहा है कि मेकर्स नहले पर दहला मार रहे हैं। अब देखना होगा कि ये क्लैश किसके हिस्से आता है और कौन इस टक्कर का भरपूर लाभ उठाकर जमकर पैसा कमाता है। बता दें कि इस क्लैश के चलते कुछ समय पहले डंकी की टीम एनिमल के मेकर से भी मिली थी, ताकि सालार से होने वाले नुकसान को कम करवाया जा सके। दरअसल सालार का डिस्ट्रीब्यूशन अनिल धड़ानी की AA फिल्म्स कर रही है, वो भी सिर्फ हिंदी पट्टी में। यही रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की भी डिस्ट्रीब्यूटर है। एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज होगी। डंकी के मेकर्स को ये चिंता सता रही थी कि कहीं थिएटर से AA फिल्म साठ गांठ ना कर ले और उनसे ऐसा ना कह दे कि सिनेमा घरों को एनिमल तभी अपने यहां चलाने को मिलेगी जब वो डंकी पर सालार को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि एनिमल के मेकर्स ने शाहरुख खान को ये आश्वासन दिया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।